जैसे प्लस बटन दबाएंगे स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, और जैसे हम इसको यहाँ से ऑफ करेंगे, ये मैंने ऑफ कर दिया, तो ये फैन हमारा यहाँ पे अभी ऑफ हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अशोक हीटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में फिर से अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम हैवल्स कंपनी के BLDC मोटर के सीलिंग फैंस का। और यह फैन जो है हैवल्स का एफएनसीओ नियो फैन है, जो कि 26 वाट मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है फुल स्पीड पर। यह फैन काफ़ी अच्छा है, रिलायबल है और मतलब स्पीड अच्छी है, मतलब सबसे एयर देती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इसी फैन की हमने अनबॉक्सिंग की थी, उसमें आपने अच्छा रिस्पांस दिया और कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स भी किए, कुछ क्वेश्चन थे, डाउट थी, क्वारी थी, वो क्वारीज कमेंट इस वीडियो में हम समावेश करेंगे, उनके आंसर भी आपको देंगे। तो आप भी इसी यदि इस फैन को खरीदना चाहते हैं तो मैंने ये परचेस किया अमेजोन से, जिसकी बेस्ट बाइंग लिंक इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। लेटेस्ट प्राइस भी आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं इस फैन की, और आप परचेज भी कर सकते हैं। 100% बिल्कुल मैं सेटिस्फाई हूँ इस फैन से, बहुत ही बढ़िया ए क्लास का फैन है विथ 2 ईयर वारंटीज कंपनी तरफ से। इसमें 2 ईयर हमको वारंटी नहीं, गारंटी मिलती है। यहाँ पे देखें, इसमें आपको कोई वारंटी नहीं, गारंटी डायरेक्ट। और दूसरी बात, इसमें यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया है कि मैक्सिमम जो है 26 वाट गारंटेड यह पावर कंज्यूम करेगा फुल स्पीड पर, जो कि 100% सही है। मैंने टेस्ट किया है ऑलरेडी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने ऑलरेडी फैन इसका परचेस करके लगा दिया है। आप भी इसको अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको नीचे स्क्रीन में मिल जाएगी। इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं और साथ में मैं अनबॉक्सिंग करता जाऊंगा, आपको बताऊंगा, और आपके कुछ क्वेश्चन थे कमेंट में जो आपने किए थे वो भी आपको बताता मैं यहाँ पे जाऊंगा, ठीक है। तो ये अभी हम इसको कर देते हैं, ओपन कर लेते हैं। कंपनी ने पैकिंग इसमें दी है, काफ़ी अच्छी दी है। ये फैन जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फैन है, रिमोट ऑपरेटेड, इसमें रेगुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती हमको, बिना रेगुलेटर के इसको रिमोट से ऑपरेट करते हैं, रिमोट साथ में आता है। और जो है फुल स्पीड पर ये 26 पावर मैक्सिमम कंज्यूम करता है, ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। इसी एडवांटेज के चलते मैंने इसको परचेज किया है। तो यहाँ पे देखें क्या क्या हमको मिलता है। यहाँ पे देखें, इसका एक रॉड है जिस पे इसको फैन को लगाया जाएगा, लटकाया जाएगा। यहाँ पे दो इसकी कैप्स हैं जो कि फैन के लिए लुक प्रोवाइड करती है। ये इसके रिमोट को एक्सेसरीज में, पहले बाहर ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको पूरी वन बाई वन इसकी सारी डिस्क्रिप्शन हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे वाओ, हमको हैवल्स का फैन हमारे पास आ गया है, ये देखें। इसके अलावा इसमें बॉक्स में कुछ नहीं, बॉक्स को मैं रख देता हूँ साइड में, ठीक है। तो हमको क्या क्या मिलता है वो देखें। सबसे पहले इसका यहाँ पे देखें, पास में आके दिखाएं थोड़ा सा कैमरामैन, इसकी गारंटी कार्ड, ठीक है। 2 ईयर्स के लिए लिखा है इसमें, 2 ईयर्स की गारंटी कार्ड है हैवल्स तरफ से, इसमें बार कोड यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे यूज़र मैनुअल हैवल्स की तरफ से मिलता है, एफएनसीओ एसिया नियो 1200 mm /1400 mm। तो ये 1200 mm इसकी ब्लेड्स है, सीलिंग फैंस है, ठीक है। और इसका पूरा यूजर मैनुअल है। इसके बाद में इसमें यहाँ पे देखें, ये इसकी दो ऊपर नीचे हमको हैवल्स कंपनी के ही यहाँ पे देखें ये कैप्स मिल जाती हैं, जो कि हमारे फैन में लुक प्रोवाइड करती है काफ़ी अच्छा। ये इसकी रॉड है। इसके बाद यहाँ पे इसके एक्सेसरीज के अंदर बात करें तो ये इसकी इसमें कुछ क्लिप्स है जिसके थ्रू इसको लटकाया जाएगा, ये दो बैटरी है, और यहाँ पे इसका रिमोट है। ये फैन जो है रिमोट से ऑपरेट होता है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस जो थे मैं इसको खोल भी रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो ये हमारा फैन आ गया यहाँ पे। सबसे पहले कुछ एक क्वेश्चन आ रहा है अधिकतर कि सर ये फैन एसी पे चलता है या डीसी पे, यानी कि एसी सप्लाई पे चलेगा या डीसी पे चलेगा। तो इसका आंसर आपका मिलेगा, इस मैं बताना चाहूँगा, ये एसी सप्लाई पे चलता है, नॉर्मल जो हम सप्लाई आती है उसी पे इसको लगाएंगे चलेगा। और ये नॉर्मल पंखा जो रहता है वो आपको 70 से 80 वाट पावर खाता है, कंज्यूम करता है जब फुल स्पीड चलाते हैं। लेकिन इसको यदि फुल स्पीड पे आप चलाओगे तो ये 26 वाट अधिकतम खाएगा। मतलब नॉर्मल फैन आप 3 फैन चलाओगे, ये वाले फैन 3 चलाओगे, उसके बदले वह एक फैन जो है पावर कंज्यूम करेगा। यानी कि घर में आपको एक फैन लगा तो वहाँ पे ये 3 फैन लगाएंगे, बराबर बिल आएगा आपका, सबसे बड़ा एडवांटेज। इसी के चलते मैंने इस फैन को परचेज किया है। दूसरा ये कि मेरे घर में, मैंने बताया था मेरे पास सोलर सिस्टम लगा रखा मैंने, और सोलर सिस्टम दिन में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट लाइट नाइट के टाइम में मेरे पास बैटरी बैकअप है, 4 बैटरी, उस बैटरी से मैं सारा फैन कूलर सबको चलाता हूँ। तो उसी के चलते मैं ये थोड़ा सा पावर सेविंग की तरफ जा रहा हूँ, ताकि नाइट में मेरे अधिक से अधिक इक्विपमेंट चल सके और पावर कंज्यूम कम हो, क्योंकि मुझे अधिक से अधिक बैकअप मिल सके। यहाँ पे देखें 1200 mm की ये ब्लेड्स हैं,
काफी प्रीमियम लुक हमको यहाँ पे देखने मिलता है, प्रीमियम क्वालिटी का फैन एंड प्रीमियम लुक हमको देखने को पड़ता है। मैं बोलूंगा कि आप बिना किसी अदर वीडियो को देखे, बिना आंख बंद करके, बिना कोई रिसर्च करके इस फैन को परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल आपको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस फैन को लेकर। मैं यूज कर रहा हूँ, ये मेरा पांचवा पंखा है, चार पंखे मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, जिसमें से एक पंखे की मैंने आपको वीडियो भी बता दी है, ठीक है। तो मैं जितना सेटिस्फाई हूँ इन फैन के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर ये इन्वर्टर पर चल जाएगा क्या या नॉर्मल इस चलेगा? तो इन्वर्टर और नॉर्मल जो सन सप्लाई वो एक ही रहती है। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी सप्लाई को एसी में बनाता है आपके घर में, तो वो भी एसी है, तो एसी पे चलेगा या डीसी पे नहीं चलेगा? यदि डीसी सप्लाई, तो वहाँ पे आपको एसी कन्वर्टर लगाना पड़ेगी, तो ये डाउट आपको हो जाना चाहिए। दूसरी बात, कुछ बोलते हैं सर ये कितने का आता है, कितनी प्राइस है, तो उसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि इसकी डेली रेट चेंज होती रहती है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। तो जब भी आप परचेस करें चेकआउट करते रहें प्राइस। मैंने ये परचेस किया, इसकी रेट बहुत कम हो गई थी, 2549 रुपये, मतलब 2550 रुपये में इसको परचेस किया मैंने। दूसरी बात, सॉरी 2650 में परचेस किया, प्लस मेरा एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड जो भी आपको ऑफर चलता रहा, तो वो ऑफर लगाएंगे तो वहाँ भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप इसकी प्राइस देखते रहे अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, जहाँ से आपको डाउन प्राइस देंगे वहाँ से आप ऑर्डर कर दें, ठीक है। फाइव स्टार फैन है। और भी क्वेश्चन आता है कि सर ये आप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है सर ये हैवल्स का अच्छा फैन रहेगा या एटमबर्ग कंपनी का अच्छा रहेगा? तो देखो बीएलडीसी मोटर का किसी भी कंपनी का फैन ले लें आप, अच्छे रहेंगे। एटमबर्ग का फैन भी अच्छे आते हैं, मैंने भी उसका एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसकी वीडियो भी आपको अनबॉक्सिंग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, एटमबर्ग का फैन भी। ये हैवल्स के मुझे, मैंने एक्चुअली 5 फैन लगा चुका हूँ, मुझे ट्रस्ट अच्छा हो गया है, और मुझे लुक वाइज कितना प्रीमियम लुक इसका आता है, इसलिए मैं लुक भी है, स्पीड भी अच्छी है, पावर भी कंज्यूम कर रहा है, तो क्यों ना मैं इस फैन को लूं और क्यों ना आपको रिकमेंड करूं। इसमें कोई मेरे को अलग से वो नहीं है कि यार मैं आपको मेरे फायदे के लिए बोल रहा हूं, नहीं, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं इसका, मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने घरों में इस फैन को लगाएं और पावर सेविंग करें, एनर्जी सेविंग करें, बिल भी कम आएगा आपका। यदि इन्वर्टर है तो नाइट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली पावर से रिलेटेड, काफ़ी अच्छा चलेगा ये, बैटरी से इन्वर्टर पावर आप कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो मैं इसको अब क्या करता हूँ, पूरा इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, इंस्टॉल करने के बाद फिर इसको आपको लगाऊंगा, और लगाने के बाद फिर आपको रन करके स्टार्ट करके रिमोट से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं भी इसको तो यहाँ पे कंप्लीट इसका असेंबलिंग का वर्क कंप्लीट हो गया, पूरा फिट कर दिया मैंने, इसके ब्लेड्स लगा दिए, बाकी का ये रोड पे पूरा एक वायर हमको रिक्वायरमेंट रहती वो मैंने पूरा कनेक्ट कर लिया। अब हमारा इसके बाद लास्ट काम बचा है, इसको मैं पूरा लटका देता हूँ, और लटकाने के बाद इसको मतलब कि फिर आपको हम इसकी स्पीड टेस्ट कराएंगे, स्पीड कैसी है इसकी, एयर फ्लो क्या है, और साथ में पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूँगा आपको मैक्सिमम पावर। और इसके बाद यदि कोई भी डाउट है आपको, क्वारी है, कमेंट करके फिर से आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसके लिए आपको निश्चित ही कमेंट में जवाब देने का प्रयास करूंगा। और यदि आप भी इसको परचेज करना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी बेस्ट बाइंग लिंक, लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं और वहाँ से परचेज कर सकते हैं बिना किसी डाउट के, क्वारी के। और इसमें मैं फिर से बता दूँ आपकी, मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा पाँचवा पंखा है, काफ़ी अच्छा पंखा है, ए क्लास का फैन है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। आप बिना किसी डाउट के, शंका के, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन के, विदाउट एनी टेंशन इसको परचेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बेस्ट पंखा। और इसकी एयर फ्लो काफ़ी अच्छी है, हाई स्पीड पर सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट है, वो 26 वाट पावर मैक्सिमम कंज्यूम करता है, उसी के चलते मैंने इसको लिया है। दूसरा आपका क्वेश्चन वही फिर मैं बता दूं, इन्वर्टर पर चलता है कि एसी पे चलता है? तो एसी पे चलेगा, इन्वर्टर पे चलेगा, बट इन्वर्टर आपका एसी में कन्वर्ट कर देगा, तो कहने का मतलब एसी पे चलता है, डीसी पे ये नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, सब लोग कमेंट कर पूछ रहे हैं लास्ट में सर कितने का है, कितने का, जिसकी प्राइस वही वेरी होती रहती है, आपको ये लगभग 2600 से लेकर 3000 के बीच में इसको रेट मिलेगी, 2600-2700 करीब मिले तो वहाँ पे आप इसको परचेस कर सकते हैं। और यदि मेरी लिंक से परचेस करेंगे तो वहाँ पे मैंने लेटेस्ट प्राइस की लिंक इसमें अमेजोन की दे रखी, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, इसको आप घर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको लास्ट फाइनली इसको लटका देता हूँ, वहाँ पे इसकी स्पीड टेस्ट करके आपको बताते हैं, रोक दें।
तो अभी इसको लगा देते हैं हम फ़ैन को, और अभी मैं खुद ही लगाऊंगा, कोई इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत नहीं है और अधिकतम काम मैं खुद करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखें, अब ये पूरा फैन यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉल कर दिया मैंने प्रॉपर तरीके से। इंस्टॉल करने के बाद अब मैं यहाँ पे देखें, ये मेरा रिमोट में देखें, यहाँ पे ऑन ऑफ बटन दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे ऑफ बटन है और ये ऑन बटन है। इसके बाद इसकी ये स्पीड 1 2 3 4 5 स्पीड है, स्पीड डाउन एंड स्पीड अप है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्पीड जो फैन ऑन करूँगा तो मेरा फैन ऑन होगा। तो देखें, जैसे फैन बटन मैंने ऑन किया, एक ब्लिंकिंग आई और ये हमारा फैन स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी इसकी स्पीड क्या पकड़ता है वो देखें, इसकी फिर स्पीड आप दिखाएंगे, पहले चल लेने हैं। तो ये देखें यहाँ पे स्पीड, इसकी फैन ने स्पीड पकड़ रहा है ये, और यहाँ से मैं इसकी अप डाउन करूँगा, यहाँ से फुल अप कर देंगे फुल स्पीड हो जाएगी इसकी। एयर फ्लो काफ़ी बढ़िया आ रहा है यहाँ पे, और ये दूसरी बात आवाज़ भी नहीं करता, और दूसरी बात इसके अंदर VLDC मोटर है जो कि गर्म नहीं होती, ब्रशलेस मोटर है और गर्म नहीं होती, तो हवा भी ये थोड़ी नॉर्मल फैन की अपेक्षा थोड़ी कूलिंग एयर ही देता है। अब यहाँ से इसके जो है रिमोट जो है, एक बार रिमोट में देखें इसके स्पीड सिलेक्शन के, फैन स्पीड 1 2 3 4 5, आप जितनी स्पीड पर इसको चला सकते हैं उसमें बटन प्रेस करेंगे तो वो स्पीड पर ये मेंटेन कर लेगा, और डायरेक्टली यहाँ से स्पीड डाउन कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली स्पीड अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से पहले अप करूँगा, तो यहाँ से मैं इसको कम करता जाता हूँ, देखें ठीक है ना, 3 नंबर पे कर दिया मैंने, स्पीड कम हो गई, फिर इसका 2 नंबर पे कर दिया, इस तरीके से स्पीड इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद रिमोट यहाँ पे देखें, यदि मैं इसको प्लस दबाऊँगा तो स्पीड आपकी जैसे प्लस बटन दबाएंगे तो स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। जैसे हम इसको यहाँ से ऑफ़ करेंगे, ये मैंने ऑफ़ कर दिया, तो ये फ़ैन हमारा यहाँ पे अभी ऑफ़ हो जाएगा। इसके बाद देखें यहाँ पे रिमोट पर, मैं यहाँ से रिमोट से ऑन करता हूँ इसको, ये ऑन किया मैंने तो अभी फ़ैन हमारा ऑन हो गया वापस। तो आप देख सकते हैं स्पीड काफ़ी अच्छी स्पीड आ रही है, एयर फ्लो बहुत ज़्यादा है इसका, नॉर्मल फ़ैन से भी अच्छा लगा मुझे, और स्मूथ फ़ैन चल रहा है ये।